हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वक्कार, मेरे साथ है आज अली भाई और आज हमने ज्वाइन किया हुआ है अली हैदर भाई को। आज दिखाएंगे महाभारत का एपिसोड 5। वैसे मैंने महाभारत के एपिसोड देखे हैं, 2-3 एपिसोड देखे हैं, लेकिन अभी आपके साथ रिएक्शन दूंगा, देखता हूँ आगे क्या होता है। वैसे लास्ट एपिसोड में आपने क्या देखा था, क्या हुआ था महाभारत लास्ट में? हमने देखा था परशुराम और उसका झगड़ा हो गया था। अच्छा चलो आगे देखते हैं क्या होता है परशुराम जी। अली भाई यार, मैंने जो हम आपसे साथ देख रहे थे ना, जो परशुराम को वो रानी जी ना वो भाई बुला रही थी, मैं यहीं पर आज रहूंगी जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे, और मैं गंगा के पुत्र को क्या बोलते हैं उसको, शादी करो मेरे साथ। भीष्म को यार, यार भीष्म जी का मैंने एक देखा था एंट्री सीन, यार क्या भीष्म जी, मतलब उसकी आवाज में दम है। भीष्म जी को महाभारत एपिसोड 5। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ओहो विचित्र वीर नाम है। और ये महारानी अभी आई है, भीष्म जी को गुस्सा लगता है, कुछ हुआ है, आपने देखा होगा क्या हुआ है यार, किस वजह से मर गए? उसकी तो पूजा हो रही थी, पूजा से ये जा रहा था ऊपर, हमला हुआ क्या? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। भीष्म जी को होते हुए कौन हमला करेगा? चलो धनुष हथियार उठा लिया। ताज भी बड़ा हो गया। सूर्य नारायण, आज मैं आपको बुझा दूंगा, आज समग्र सृष्टि में अंधकार छा जाएगा, प्रकट होकर मेरे सम्मुख आओ, भीष्म आपका आह्वान कर रहा है। अपने पुत्र यम को आदेश दीजिए कि मेरे अनुज के प्राण लौटा दे। सांस बोल रहे हैं वापस डाल दो, हाँ प्राण लौटा दो। चलो यार ये सूरज पे हमला, ये मैं गुस्सा ईश, ये क्या कर रहे हो? सारी सृष्टि का विनाश करना चाहते हो तुम? सृष्टि से कोई संबंध नहीं है इस समय मेरा सूर्य नारायण, ईश्वर बिना किसी अपराध के मेरे परिवार को दंडित कर रहा है। मेरे पिता मेरे पूर्वजों की आत्माएं अंतरिक्ष में बैठ कर ताप रही है, कितने स्वप्न और संघर्ष से इस राज्य का निर्माण किया था उन्होंने, क्या भूल की है मैंने, क्या अपराध किया है मेरे पूर्वजों ने? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास भी नहीं है, पर अतीत को देखकर मुझे इतना ज्ञान मिला है बस कि मनुष्य का कर्तव्य केवल आज की चिंता करना है, भविष्य को ईश्वर के हाथों में ही रहने दो। धैर्य रखो। किस प्रकार धैर्य रखूं सूर्य नारायण, मेरे देखते देखते गुरु वंश का वृक्ष जल गया, पहले चित्रांगद की मृत्यु हो गई, मैंने और राष्ट्र ने विचित्र वीर पर आशाओं का आधार बनाया, और अब वो भी चला गया, क्या होगा इस राष्ट्र का, क्या होगा इस राष्ट्र का सूर्य नारायण?
क्या होगा यदि दुख अधर्म से जन्मता है तो निश्चित ही धर्म ने आज हस्तिनापुर का साथ छोड़ दिया है। मेरा साथ छोड़ दिया है। नहीं, साथ नहीं छोड़ा। हस्तिनापुर की समस्या का उपाय है। सत्यवती जिसने महाराजा शांतनु के साथ उनको मतलब ब्लैकमेल मतलब सल्तनत चाहिए भीष्म को ना मिले। लेकिन भीष्म जी भी यार दिल के अच्छे आदमी हैं, तभी तो उनके साथ ये रानियां विचित्र वीर की है। हाँ अभी शादी हो रही थी, भीष्म जी इनको जीत कर लाया था ना, फिर चुनौती थी वो पार कर गया है। परेशान हो गई है। स्त्री अपने बालों का श्रृंगार करके अपने पति के प्रेम को स्वीकार करती, किंतु अब तुम्हारे ईर्ष सदा श्रृंगार रहित रहेंगे। मतलब वो जिंदा नहीं हो सकते, कुछ होगा करिश्मा। स्त्री के हृदय में दुख का यज्ञ प्रारंभ हो, जीवन भर चलेगा अशुभ यज्ञ, किंतु वो आग कितनी भी बढ़ने मत देना कि जीवन ही भस्म हो जाए। जीवन तो हमारा भस्म हो गया है राजमाता, पर शायद आप इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ पाऊंगी। अपने पति की मृत्यु देखी है मैंने, तुम्हारा दुख नहीं समझ पाओगी। मैंने तो अपना पुत्र खोया है। आपने तो संसार का सुख भोगा अपने पति के साथ राजमाता, संतान का सुख पाया, आप किस सुख की बात कर रही हैं राजमाता? हमारी ओर देखिए, ना पति का सुख ना संतान का सुख। काशी की राजकुमारियां अब हस्तिनापुर की आश्रित भिक्षार्थी बन गए। क्यों राजमाता? नहीं, ना तो तुम दोनों यहां आश्रित हो, ना ही भिखारी। ये मेरा वचन है तुम दोनों से, तुम्हारे पुत्र सिंहासन पर अवश्य बैठेंगे। हमारे पुत्र, हमें पुत्र किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं? अब तुम दोनों को संतान की ओहो।
बड़ा दुख हुआ, महाराजा का बेटा भी चल बसा। लेकिन मुझे पता नहीं चला ना ये क्या हुआ, हमला हुआ था क्या? नहीं पता नहीं, वो तो मुझे ये महारानी जी है ना, बड़ा उसने विश्वास दिया है अपने इन शहजादियों को, तो मुश्किल लग रही है, तो वचन दिया है उसका आपको बेटा होगा तो आगे। वो बेटा तो होगा, लेकिन उनको तो पहले दुख है कि उनका विचित्र वीर जो है चला गया, वो भी मतलब दुख है यार, उनका पति चला गया अभी तो कुछ मतलब टाइम साथ में बिताया भी नहीं और वो चले गए। और जो उसकी जो इनकी जो दोनों बहनों की बड़ी बहन है ना जो राजकुमारी, वो तो भीष्मी को है ना, वो उससे कह रही है कि आप मुझसे शादी कर लो। वो भीष्मी जी कह रहा है नहीं भाई, मैंने वचन ले लिया है, भीष्मी जी शुरू में ही वचन दिया था। अब क्या होगा? गुस्सा उनका देखा जब सूरज दादा को यार तीर चला रहे थे, वो भाई यार बड़ा आंखों में वो जुनून दिख रहा था भीष्म जी। उसने बोला तो पूरी हिस्ट्री को खत्म कर दोगी। और ये राजकुमारी कह रही है कि उन दोनों बहनों को तुम्हारा संतान होगा, ये कैसे मुमकिन है भाई? भाई मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में ये कैसे यार? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जरूर बेल आइकन को दबाएं। पाकिस्तान दिख रहे हैं भाई।